योगी मंत्रिमंडल में बदलाव के संकेत, तो उपचुनाव के बाद हो सकते हैं बड़े बदलाव। बीजेपी प्रदेश संगठन में भी बड़ा बदलाव संभव। प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तो बड़ी खबर, योगी मंत्रिमंडल में बदलाव के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उपचुनाव के बाद ये बदलाव हो सकते हैं, इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही है। तो लखनऊ में बीजेपी में हलचल के बीच ये बड़ी जानकारी, योगी मंत्रिमंडल में बदलाव के संकेत, उपचुनाव के बाद हो सकते हैं बड़े बदलाव। तो बीजेपी प्रदेश संगठन में भी बड़ा बदलाव संभव। तो देखिए, एक तरफ जहां लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ ये संकेत देती हुई योगी मंत्रिमंडल में बदलाव के संकेत, उपचुनाव के बाद ये बदलाव हो सकते हैं। तो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये संकेत मिलते हुए, तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, योगी मंत्रिमंडल में बदलाव के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो उपचुनाव के बाद ये बदलाव हो सकते हैं, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है, और ऐसे में बीजेपी प्रदेश संगठन में भी बड़ा बदलाव संभव है, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा से भी बातचीत की है, चर्चा की, बैठक की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर भी इन बैठकों के दौरान चर्चा हुई, और बाकायदा 15 पेज की रिपोर्ट बीजेपी आलाकमान को सौंपी गई है, जिसमें 40,000 कार्यकर्ताओं के फीडबैक भी शामिल है। तो देखिए, योगी मंत्रिमंडल में बदलाव के संकेत, जहां पर उपचुनाव के बाद हो सकते हैं बड़े बदलाव। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है। उत्तर प्रदेश को लेकर अब नए सिरे से रणनीति बनाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ सकती है, और इसी के मद्देनजर देखिए, योगी मंत्रिमंडल में बदलाव के संकेत भी नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक सियासी घमासान जारी है। आपको जानकारी दे दें, 14 जुलाई को यूपी कार्यकारिणी की बैठक हुई, बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। मीटिंग में जेपी नड्डा ने हर नेता की बात सुनी। वहीं दिल्ली में 16 जुलाई को नड्डा से मिलेंगे केशव प्रसाद मौर्य, मुलाकात हुई 16 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य के बीच और तमाम नेताओं के बीच, आलाकमान के बीच। वहीं आपको जानकारी दे दें, दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। 16 जुलाई को दिल्ली में भूपेंद्र चौधरी भी जेपी नड्डा से मिले, तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष करीब 60 मिनट तक नड्डा के साथ रहे। तो एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की 16 जुलाई को बीजेपी आलाकमान से। ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हुई, और साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर भी मंथन हुआ कि किस तरह से अब इस चुनाव में उतरना है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और कौन कौन से कैंडिडेट प्रत्याशियों पर लगातार चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ देखिए, हमने देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी मंत्रियों के साथ एक बैठक हुई। 14 जुलाई को हुई यूपी कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक, जिसके बाद से ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब आगे यूपी को लेकर क्या कुछ रणनीति होती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा।